की शक्ति के इस कार्यक्रम में माई के दरबार में आज माता शैलपुत्री का दिन है, तो उनके बारे में मैं एक और रोचक बात बताती हूँ। धार्मिक पुस्तकों में लिखा है कि माँ को सफेद वस्तुओं का भोग, जैसे दूध, दही, खीर, रबड़ी, इस तरह के मिष्ठान बहुत पसंद हैं। और अगर ये सब गाय के दूध के हो तो और अच्छी बात है, क्योंकि गौ माता का दूध अमृत समान होता है। गौ माता का दूध किसी भी रूप में शरीर में पहुंचे तो वो हानि नहीं पहुंचाता और निरोग रखता है। लेकिन माँ, आज के युग में तो गाय की परिस्थिति बहुत खराब है, उसे कैसे बचाना चाहिए? सबसे पहले गाय के महत्व को समझना चाहिए। आज वातावरण इतना दूषित हो गया है कि हर कोई बीमार रहने लगा है और दवाइयों पर हजारों लाखों खर्च करने लगा है। यदि दवाइयों पर खर्च करने के बजाय मनुष्य एक गाय पाले या उसका दूध पिए तो वो निरोगी रहेगा। यदि मनुष्य गौमूत्र का सेवन करे तो रोग उसे छू भी नहीं सकते। इसके अलावा गाय ही एक लौती ऐसी जानवर है जो ऑक्सीजन लेकर ऑक्सीजन ही छोड़ती है। गाय के महत्व को समझना होगा, तभी उसे बचाया जा सकता है। शायद इसलिए गाय को माता का स्थान प्राप्त है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगली प्रस्तुति देखते हैं। नवरात्र के पावन महीना आयल भैया, और आज आप तमाम भोजपुरी श्रोता समाज खातिर जे की माई के प्यारा सा दरबार लगौले बा, जहाँ भी बानी, जहाँ से भी देखतनी, माई भक्ति में आई एगो गोता लगा लिहल जाओ। हम गायक राकेश मिश्रा आप लोग के साथ है माई भजन के प्रस्तुति दे रहा बानी। यह आस में विश्वास लेके हर दर पे आइल बानी, माई भक्ति के शक्ति तमिलवे करी। देखिए भाव बा, एगो लड़का कैसे अपना माई के बुलावता और का कहता कि अंगना लिपवले बानी, कि चौका पुरवले बानी, कि घरवा में एगो माई बेदियो सजवले बानी, आ बेदियो सजवले बानी, कि अपना बेटवा के हो, कि अपना बेटवा के ललसा पुराई जाई तुए माई। हम बोलावतनी, हम बुलावा तनी, हम बुलावा तनी माई घर आई जाई तू, हम बुलावा तनी माई घर आई जाई तू। वाह, माँ माँ और बेटा ये दोनों ऐसा शब्द है भैया कि माई के बिना जिंदगी अधूरा बा, और जेकरा सर पे माई के हाथ रही ओकरा से बड़ा कुछ हो नहीं कह सकत। देखी भाव कैसे बा ओ भक्त के, और कहता लिपनी अंगना वाए माई।